एवरीवन, मधुलिका किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल्स पापड़ रैप। देखिए कैसे बनाती हूँ पापड़ चीज रैप्स बनाने के लिए पापड़ के। तो सबसे पहले हमने पापड़ लिया, आपको जितने रैप बनाने हो उतने आप पापड़ लीजिए। तो मैंने चार पापड़ के पापड़ रैप बना रही हूँ। चार पापड़ लिए हैं, बिग साइज के पापड़ हैं। आप छोटे बनाना है तो आप स्मॉल साइज के भी ले सकते हैं। जैसे मैंने मूंग दाल के पापड़ लिए हैं, अगर मूंग दाल के नहीं आते उड़द दाल के या मिक्स दाल के पापड़ जो भी आते हैं आप किसी से भी रैप बना सकते हैं। तो सबसे पहले पापड़ लिए और फिर हमने लिए वेजिटेबल्स। शिमला मिर्च है, उसको हमने बारीक काटा हुआ है, गाजर, ऑनियन, टमेटो और दो पोटैटो, इनको बॉईल कर लिया है। बॉईल करके उसको मैश कर लिया है अच्छे से, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 स्पून। अभी वेट करेंगे हम थोड़ा अपना ऑयल गर्म होने का। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले लिटिल हींग, उसके बाद डाल देंगे हम थोड़ा सा 1/2 स्पून करीब जीरा, और साथ में डालेंगे हम पहले ऑनियन। ऑनियन थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद और वेजिटेबल्स डालेंगे। इसको हल्का सा ब्राउन होने तक हम सॉटे करेंगे। अब इसके और वेजिटेबल्स पे हम डाल देंगे गाजर, एक गाजर है उसको हमने बारीक कट किया है, कैप्सिकम, टमेटो और जो भी आपको वेजिटेबल पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। इसको हल्का सा ब्राउन होने देंगे हम सब्जी को। काली मिर्च का पाउडर, पिसी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स आते हैं वो हम डालेंगे, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है वो मैंने बना के रखा है, वो भी हम थोड़ा डाल देंगे। और हल्का सा भी डालेंगे हम इसमें सॉल्ट। सॉल्ट डालने से सब्जी हमारी थोड़ी सी गल जाएंगी। और इसी में जो हमने दो पोटैटो बॉइल्ड पोटैटो को मैश करके रखा है वो भी हम डाल देंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पोटैटो भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं सब्जी में। इसमें अभी हम 1/2 स्पून करीब टमेटो केचप डालेंगे, ये ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है थोड़ा सा स्वीट तो आप डाल दीजिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। मैंने 1/2 स्पून डाला है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका, ये अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। अभी गैस को हमने बंद किया, और ये हमारी रैप की स्टफिंग रेडी हो गई। इसको अभी हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। 2 स्पून करीब मोजरेला चीज डाला है, गैस को हमने बंद ही रखा है, इसको भी हम मिक्स कर देंगे चीज को। चीज हमें गैस बंद करने के बाद डालना है जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। ये हमने
चीज को भी मिक्स कर दिया है इसमें, और अब इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। एकदम ठंडा हो जाएगा तब हम यूज करेंगे। ठंडी हो गई है, अभी हम क्या करेंगे, कोई भी आप प्लेट ले लो ऐसी थोड़ा जिसमें कि हम पानी डाल सकते हैं, उस प्लेट में हमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि हमें जो हमारे पापड़ है ना उसको हमें गीला करना है। तो ये हमने प्लेट में पानी डाल लिया, उस पानी में हम पापड़ डालेंगे। पापड़ को हम दोनों साइड से पानी से गीला कर लेंगे, क्योंकि हमारे पापड़ ड्राई होते हैं ना, इसको हमने गीला कर लिया। अच्छे से गीला करने के बाद इसका हम ऐसे करके सारा पानी निकाल देंगे। अब जो गीला पापड़ है उसको हम दूसरी डिश में रखेंगे। ये देखिए, ऐसे करके हम दूसरी डिश में रखेंगे, और जो हमने फिलिंग बनाई है स्टफिंग वो हम इसमें डाल देंगे। ऐसे करके देखिए, ये करके हमने इसमें स्टफिंग डाल दी है थोड़ी। आपको जितनी स्टफिंग डालना है उतनी आप डाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने स्टफिंग डाल दी इसमें। और अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से फोल्ड करेंगे। पहले ऊपर से फोल्ड करके फिर ऐसे करके हम इसे चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, और इसको फोल्ड करते आएंगे लाइक दिस। ये देखिए, ये हमारा रैप रेडी हो गया। इसको हम अलग डिश में रख लेंगे। इसको भी हम थोड़ा सा गीला कर लेंगे पानी में। पानी में गीला करके इसे निकाल देंगे, प्लेट में रखेंगे इसको। और जो हमने स्टफिंग बनाई है वो हम थोड़ा लेंगे, ऐसे हम चारों तरफ रख देंगे स्टफिंग को। पापड़ को हम ऊपर से फोल्ड कर देंगे लाइक दे, फिर साइड से हम फोल्ड कर देंगे दोनों साइड से। उसके बाद इसको हम पलट देंगे। इस तरीके से देखिए, रेडी हो गया हमारा पापड़ रैप। इसी तरीके से हम दूसरा बना लेंगे। ये देखिए, रैप हमने डाल दिया अंदर। गैस हमारी, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। इसको हम डीप फ्राई करेंगे रैप को। सब ऑयल को पर गैस के फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि पापड़ है, पापड़ बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। इसको अभी हम पलट देंगे स्लोली। अभी ये भी हमारा अच्छे से सिक गया है, इसको भी हम स्लोली निकाल लेंगे। गैस के फ्लेम को बंद किया। ये सारे वेजिटेबल पापड़ रैप हमारे रेडी हो गए हैं। अभी इसको हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। इसको हमने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। आप चाहें तो इसमें ऊपर से हल्की सी क्रीम डाल सकते हैं। ये खाने में एकदम टेस्टी और क्रिस्पी होते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं खाने में, बहुत क्रिस्पी होते हैं। आप लोग जरूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी लगते हैं पापड़ के रैप, वेजिटेबल्स रैप पापड़ के, बहुत स्वादिष्ट होते हैं खाने में। आप चाहें तो ऐसे इसको डेकोरेट कर सकते हैं क्रीम लगा के, ऊपर से चीज स्प्रेड कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी। और इससे आप चटनी केचप के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। ये रेडी हो गए हमारे वेजिटेबल्स पापड़ रैप। ये खाने बहुत ही क्रंची होते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।